गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर का डोज लेकर हम आ गए हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन UPSC रिलेटेड और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। सो 23 नवंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। सो डेली करंट्स अफेयर के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी UPSC। सो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 23 नवंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो आज के दिन फिबोनाचीस डे बनाया जाता है। फिबोनाचीस डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 नवंबर को बिकॉज फिबोनाची एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, इसकी याद में 23 नवंबर को ये दिन बनाया जाता है। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ATP का खिताब अपने नाम पर किया? हाल ही में किस खिलाड़ी ने ATP का खिताब अपने नाम किया? तो सर्बिया के पूर्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने छठी बार ATP फाइनल्स का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने इटली के टूरिन में खेले गए फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के केस्पर रूड को हराया था और यह खिताब जीता है। सो इस टाइटल को जीतने के साथ ही जोकोविच इस सीजन में अजय रहे और उसको 38 करोड़ रुपए का इनाम मिला है। और जोकोविच ने 7 साल बाद यह खिताब अपने नाम किया था। इससे पहले 2008, 2012, 2013, 2014 और 2015 में उसने जीता था। ATP मीन्स एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन, गवर्निंग बॉडी ऑफ मेंस प्रोफेशनल टेनिसर का स्ट्रिक्स। सो ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन है उसका पूरा नाम, और इसका खिताब हाल ही में जोकोविच ने जीता है। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के लिए स्क्वैच चैम्पियनशिप जीता? क्वेश्चन 3, हाल ही में किसने भारत के लिए स्क्वैच चैम्पियनशिप जीता? तो इसका आंसर है जोधपुर में HCL SRFI इंडियन टूर स्क्वैच चैम्पियनशिप में भारत के अभय सिंह ने खिताब जीता है। भारत के अभय सिंह ने यह खिताब जीता है। स्क्वैच एक रैकेट खेल है जिससे दो खिलाड़ी, एक खिलाड़ी छोटी खोखली रबड़ गेंद से चारों दीवारों वाले कोर्ट में खेलते हैं। सो स्क्वैच दो खिलाड़ी एक ही कोर्ट में खेल सकते हैं, सिंगल और डबल में 4 खिलाड़ी एक ही कोर्ट में खेल सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये इस स्क्वैच गेम का ये इमेज है। ऐसे यहाँ पे एक कोर्ट में 2 और 4 पर्सन यहाँ पे खेल सकते हैं। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस शहर में भूकंप के तीव्र झटके लगे? हाल ही में इंडोनेशिया में भूकंप के तीव्र झटके लगे और कई सारी इमारतें गिर गई और अच्छा खासा यहाँ पे नुकसान हुआ है। पार्किंग तक में भी इलाज हो रहा है। 162 मौतें यहाँ पे हुई है। सो इंडोनेशिया में हाल ही में भूकंप के तीव्र झटके आए हैं। 5, हाल ही में किस कंपनी ने अपना संपत्ति मुद्रीकरण क्रियाक्रम पूरा किया है? तो हाल ही में एसर कंपनी ने अपनी संपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम समाप्त किया है। मीन्स उसने अपना जो ऋण था वो पूरा किया है, जो लोन्स वगैरह ली है जो ऋण था वो पूरा किया है। अप्रोक्सीमेटली 25 बिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ का ऋण उसने पूरा किया है, और इससे भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋण मुक्त हो गए हैं। सो एसर पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड और एशर पावर ने हाल ही में कहा है कि उन्होंने हजीरा और पारादीप के बंदरों और बिजली संपत्तियों की $2.05 अरब की बिक्री मित्तल निपोन स्टील इंडिया लिमिटेड को पूरी कर दी है। सो हाल ही में एसर ने अपनी अप्रोक्सीमेटली 20 बिलियन का जो ऋण है वो ऋण संपत्ति का मुद्रीकरण कार्यक्रम संपन्न किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे ये
जो संपत्ति उसने दी है उसकी लिस्ट यहाँ पे है। और क्वेश्चन हमारा सिक्स आ जाएगा, हाल ही में किस कंपनी ने 80% से ज़्यादा फ्यूल एक्सपोर्ट किया है। हाल ही में किस कंपनी ने 80% से ज़्यादा फ्यूल एक्सपोर्ट किया है। सो हाल ही में न्यारा एनर्जी ने चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीने में ही 80% तेल का निर्यात एशिया, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका को किया है। देश की दूसरे सबसे बड़ी तेजी तेल रिफाइनरी ने ब्रिटेन को मामूली मात्रा में तेल का निर्यात किया है। सो ये न्यारा एनर्जी लिमिटेड मुंबई में स्थित है और ये एक इंडो रूसी डाउनस्ट्रीम तेल कंपनी है और 6000 से अधिक खुदरा ईंधन आउटलेट का नेटवर्क शामिल है। यह वाडीनार गुजरात में भारत की दूसरे सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। सो क्वेश्चन 7, हाल ही में किस कंपनी ने अपनी मोस्ट फेवरेट कमर्शियल व्हीकल दोस्त को लॉन्च किया है। LSD मीन्स लेफ्ट साइड ड्राइविंग। सो यहाँ पे हाल ही में अशोक लेलन ने अपनी मोस्ट फेवरेट कमर्शियल व्हीकल दोस्त को एशिया और अफ्रीकन मार्केट में उतारने की तैयारी कर दी है और उसको चैलेंजिंग पार्ट ये लगा था लेफ्ट साइड ड्राइविंग ये दोस्त होगी। सो ये एशियाई और अफ्रीका की मार्केट में हाल ही में लॉन्च होगी। सो अशोक लेलन कंपनी ने ये अपनी मोस्ट फेवरेट कमर्शियल व्हीकल दोस्त को एशियाई और अफ्रीका कंट्री में लॉन्च करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के बीच में सबसे लंबी LPG गैस लाइन की डील हुई है। सो हाल ही में कतार और चीन के बीच, कतार ने चीन से मिलाया हाथ, 27 साल तक करेगा LNG सप्लाई। कतार और चीन के बीच यह डील 60 अरब डॉलर में हुई है। इस डील के तहत चीन अपने नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट से चीन को 27 सालों तक LNG की सप्लाई करेगा। इससे दुनिया की सबसे लंबी LNG सप्लाई डील भी कहा जा रहा है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद LNG की मांग काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए ये डील होने का कारण यह है। दोनों देशों के बीच हुआ यह समझौता 27 सालों के लिए हुआ है जो 2026 में शुरू होगा। इस समझौते के तहत कतर एनर्जी अपने न्यू नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट से सालाना 40 लाख टन गैस चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन को भेजेगी। इस डील 60 अरब डॉलर में हुई है। सो ये पूरी डील का हमने यहाँ पे मेंशन किया है, 60 अरब करोड़ में ये डील हुई है और 40 लाख टन गैस चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन को कतार भेजेगा। हाल ही में क्वेश्चन 9, हाल ही में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी किसने लॉन्च की है। सो हाल ही में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च की है। सुसाइड के बढ़ते रेशियो को देख के सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लॉन्च की है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में रोनाल्डो ने कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया। सो हाल ही में रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हाल ही में रोनाल्डो ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल में 500 मिलियंस पूरे किए हैं। सो 500 मिलियंस यहाँ पे आप देख सकते हो, 500 मिलियन फॉलोवर्स के साथ विश्व में सबसे पहले है और सेकंड में मेसी है और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी है। सो विराट कोहली थर्ड नंबर पे है। सो ये अब हमारा आएगा अननोन क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हॉलीवुड के रैपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जो कि हाईलाइट में आया है, इसलिए यहाँ पे हमने ये अननोन क्वेश्चन रखा है। अमेरिकन रैपर कोल्सन बेकर उर्फ मशीन गन केली ने अमेरिकन म्यूजिक अवॉर्ड में गन मेटल से बने कई इंच लंबे
स्पाइस वाला पर्पल रंग का सूट पहना है उसकी तस्वीर ये वायरल हुई है। सो आप याद रखें, अमेरिकन रैपर मशीन गन केली ने ये सूट पहना है और लाइमलाइट में आ गए हैं। सो अगर आपको हमारा ये करंट अफेयर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।